लेकिन एक खास बात बताना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त और मेरे फैमिली मेम्बर्स इस वक्त चेन्नई में एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। इट्स एक्सट्रीमली अनएक्सपेक्टेड। उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट है क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है, उन्होंने सिर्फ सुना है। और इतनी पानी है वहाँ पे और इतना बारिश हो चुका है कि समझाना मुश्किल है कि उनके लिए कितनी तकलीफ है। सो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग चेन्नई में देख रहे हैं और जितने लोग अपनी कमाल, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो लोग हो जो खाना लेके आ रहे हैं इस 6 फुट के पानी में और जिसमें सांप और बिच्छू तैर रहे हैं, इसके बावजूद जो घर आप इतना सेवा जॉब कर रहे हैं, आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई थिंक द स्पिरिट ऑफ चेन्नई इज बेस्ट सीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस। बहुत ही इनफैक्ट अब आने वाले और 3 दिन में कह रहे हैं और बारिश होगी और 6-7 फुट की पानी है जिसकी वजह से वो लोग इससे जूझ नहीं पा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनको तो मतलब बौखलाए हुए हैं कि क्या हो रहा है। प्लीज, सो आई गेस द आर्म फोर्सेस आर देयर, दे टेक केयर ऑफ इट, एंड वी कैन जस्ट हैव प्रेज फॉर देम। एंड द बेस्ट पार्ट इज रेडियो प्रेजेंटर्स आर डूइंग अ वेरी गुड रोल, बीइंग फ्रॉम द रेडियो इंडस्ट्री माई सेल्फ, I can vouch for it that they'll be working 24/7 right now and spreading messages and helplines will be on. So yeah, that's that. Thank you so much. No, I have no friends in Chennai. When there in Chennai, people are facing difficulties because of their travel. Any message would you like to give us if you have any friends over there? I do. My mom lives very near in the area. So it's actually today I was very worried about it. Someone had called me from there. So, I mean, unfortunately, natural disasters is not something we can really do much about. But I think, you know, if there are any groups or any relief work which is happening, we should, you know, everyone should do their bit to help for sure. It's a very pressing issue right now that must be addressed. So whoever's not facing that, truly our hearts go out to all our friends in Chennai. I know it's an absolute war zone over there because I'm getting updates from a very dear friend of mine who's facing a lot of trouble. So really, at a time like this, I hope our government and everybody else can band together and help our brothers and sisters in Chennai. I pray that everything works out. And condolences to everybody who's lost dear ones in the floods. I think the world needs to look at what we're doing to planet Earth, because when you face nature's fury, things can get quite bad, as we've seen. So I think it's an alarm for all of us to kind of do our little bit to save Mother Earth. क्या मैसेज दूँ यार, इट्स हॉरिबल, आई मीन व्हाट कैन आई से, इट्स एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हॉरिबल, एंड आई होप द सिचुएशन इज यू नो बिकम्स बेटर सून। हाँ, मेरी बात हुई है, बहुत लोगों से बात हुई है, पर पिछले 2 दिनों से बहुत लोगों के फ़ोन स्विच ऑफ, बिकॉज बैटरी नहीं है किसी के पास, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करना बाकी है मेरे दोस्त।